मध्य प्रदेश के कई निकाय में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी वहां उनके हार का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रदेश में पुलिस प्रशासन और पैसे के अलावा धमकी भी काम आ रही, जिसका नतीजा है कि जिला जनपद में बीजेपी के पास उम्मीदवार न होने के बाद भी उनकी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़े राम कुमार भाई धूतर ने जीत दर्ज की। इसी जीत से उत्साहित भाजपा दिग्विजय सिंह को आराम की सलाह दे रही है, तो वीडी शर्मा बड़बोलेपन में उनकी तस्वीर जारी कर उन्हें अलोकतांत्रिक करार दे रहे हैं। उधर कांग्रेस ने पीसीसी के बाहर बीजेपी के मंत्री और विधायक का पुतला जलाते हुए रामेश्वर शर्मा को महिला पुलिस अधिकारी बनाने की सिफारिश की। इसके अलावा राजधानी के आसपास 40 बाघ सक्रिय है, जनता के बीच रहना सीख गए हैं। विश्व बाघ दिवस के मौके पर विशेषज्ञों ने कहा कि विकास और बाघों का कंजर्वेशन दोनों के साथ करना आसान नहीं है, लेकिन राजधानी भोपाल ने इसे कर दिखाया। उधर दो फ्रॉड युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवक पुलिस की वजह डालकर रोक दिखाते हुए वसूली करते थे। दोनों युवक सिंगरौली के रहने वाले हैं। भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के पास 7 सदस्य थे, बीजेपी के 2 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी था। इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खेला कर दिया और कुछ सदस्यों को अपने कब्जे में लेकर कांग्रेस समर्थित रश्मि भार्गव को चुनाव में हरवा दिया। जीती हुई उम्मीदवार राम कुमार भाई गुर्जर भी कांग्रेसी हैं, लेकिन सत्ता के लालच में अब वो बीजेपी की सदस्य हो गई है। इसको लेकर पंचायत भवन में जमकर ड्रामा चला। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने उनकी एक न चलने दी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहा। यहाँ कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस के नाम पर चुनाव नहीं जीता, सब स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और सबने लोकतांत्रिक परंपरा में अनेक बार वोट दिए हैं। राजा साहब से उम्मीद है कि वो यहाँ से जाएं, आराम करें, जीतकर जो उम्मीदवार आएगा वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा। फंदा ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष के चुनाव में वोट वो लोग डाल गए जो अधिकृत नहीं थे और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पे 9 वोट डलवा दिए। अभी हमारे पास खबर आई है कि वो लोग भी टेंडर वोट डलवाना चाहते हैं और इसमें हमारी आपत्ति है और हम उम्मीद करते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हमारे हैं रिटर्निंग ऑफिसर वो नियम और कानून का पालन करेंगे, शिवराज सिंह चौहान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, प्रभारी मंत्री के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। सर, जो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी, क्या उनको बाद में कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? बात यह है कि इनके पास इनकी जो हालात हैं वो आप देख लीजिए, इनके पास उम्मीदवार नहीं है। उधर पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस ने पीसीसी के बाहर मंत्री भूपेंद्र सिंह और विधायक रामेश्वर शर्मा का पुतला जलाया। कांग्रेस का आरोप है कि इन्हीं दोनों की भूमिकाएं संदिग्ध रही हैं, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए कांग्रेस के सदस्यों को देर रात अपनी गाड़ी में बैठाकर उन पर दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस की उम्मीदवार चुनाव हार गई। उधर कांग्रेस ने पूरे प्रकरण के लिए दोषी रामेश्वर शर्मा को महिला पुलिस अधिकारी बनाने की सिफारिश की है। आक्रोश इस रूप में सामने आया है कि जिस ढंग से राजधानी भोपाल में जिला पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच पूरे प्रदेश ने देखा है, यह आक्रोश उस रूप में सामने आया है और मैं हमारे प्रवक्ता साथी सिद्धार्थ राजावत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जनता की आवाज़ बनकर इस पुतले को दहन करने के लिए आगे आए हैं। जो आज परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं, 24 घंटे पहले हमने आपको प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पत्रकार वार्ता के माध्यम से बता दी थी कि यह होने वाला है। इतना अकाल है और पुलिस इतनी व्यस्त थी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने में कि उन्हें एक महिला पुलिसकर्मी भी नहीं मिली, सारे लोग काम पर लगे थे। जिस ढंग से एक महिला मतदाता को प्रोटेम स्पीकर श्रीमती रामेश्वर शर्मा पकड़ कर ले जा रहे हैं, वह लज्जित करने वाला है। आज से भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेम स्पीकर जो रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी को महिला पुलिस का चार्ज दे देना चाहिए और उन्हें ड्रेस भी नहीं हो तो हम भेंट कर आएंगे कांग्रेस के लोग जाकर। किस ढंग से लज्जापूर्ण स्थिति में आज लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके दोषी यदि कोई हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके इशारों पर ऑनर किलर के रूप में भोपाल के कलेक्टर और एसीपी ने काम। इस पूरे प्रकरण में उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने अंदाज में लिपापोती की है। वीडी शर्मा ने पत्रकारों को एक फोटोग्राफ दिखाकर यह बताने की कोशिश की है कि दिग्विजय सिंह ने पुलिस वालों पर हाथ उठाया, जबकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि वे वहां मंत्री को अंदर जाने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, न कि किसी पुलिस वालों को मारने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। लोकतंत्र में वोट गुंडागर्दी से नहीं मिलता है। दिग्विजय सिंह जी गलत नहीं मत रहिए, आपकी सरकार जब थी तब आप गुंडिज्म करते होंगे, मैं तो छात्र राजनीति में था, मैंने देखा है आप किस प्रकार से गुंडिज्म करते थे, किस प्रकार से अपराधीकरण राजनीति में मध्य प्रदेश के अंदर हावी था आपके नेतृत्व में, तब तो जनता ने आपको नकारा था।
और मैं तो कहता हूं कि प्रशासन और शासन अगर इस प्रकार के पुलिस के अधिकारियों पर, पुलिस के हमारे सामान्य, हमारे जो दिन भर दिन रात एक करके मध्य प्रदेश की सुरक्षा में, लोगों की सुरक्षा में लगे होते, उन पर आक्रमण करने का काम कर रहे, केवल चुनाव में हार की खींच के कर रहे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण ऑफिशियल कार में झंडा लगाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए, जबकि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सरकारी गाड़ियों में झंडा लेकर वे मतदान केंद्र के अंदर घुसना चाहते थे। हम लोगों ने रोका, झूमा झटके नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रोक रहा था गाड़ी को अंदर जाने से। उधर राजधानी के आसपास के इलाकों में करीब 40 बाघ सक्रिय, जो जानते हैं कि आसपास की आबादी मानव की है, इसके बावजूद वे आज तक हिंसक नहीं हुए। करीब 10 सालों से यह रिश्ता बना है जो आगे भी जारी रहेगा। विश्व बाघ दिवस के मौके पर विषय विशेषज्ञों ने कहा कि विकास और बाघों का संरक्षण दोनों काम एक साथ संभव नहीं है, लेकिन भोपाल ने कर दिखाया, जो अपने आप में पूरे विश्व में एक अनूठा उदाहरण। ये हमारा सफर प्रवाह के विपरीत रहा, क्योंकि कई दूसरे देशों में आपने देखा जिस तरह से जंगलों का विनाश हुआ है, टाइगर्स का वास स्थल का विनाश हुआ है, और उसका बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम टाइगर्स की पॉपुलेशन पर भी पड़ा हुआ है। तो भारत में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में प्रवाह की विपरीत दिशा में जाकर विकास के साथ साथ हमने टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में भी ये उपलब्धि हासिल की है, और इसलिए ये उपलब्धि वास्तव में विशिष्ट है। कल मैं सेन साहब के साथ कुछ चर्चा कर रहा था कि ये जो टाइगर पैंथर सेंसस जो 4 साल में एक बार होता है, उसको मध्य प्रदेश का वन विभाग कितनी अधिक गंभीरता से लेता है। उधर IPS की DP लाकर फर्जी तरीके से वसूली करने वाले दो नकली वर्दीधारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवक सिंगरौली के निवासी हैं। इनमें भगवानदास पनिका और दूसरे का नाम रामकिशोर सेन है। पुलिस की माने तो दोनों से जब पहचान पत्र मांगे गए तो दोनों के पास फर्जी आई कार्ड मिले, जिसके बाद विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर दोनों को हवालात भेज दिया गया। आज बेरेसिया में बेरेसिया पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई दो व्यक्ति हैं जो वाहन रोक करके वसूली कर रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची थी और वहाँ पर उन्होंने दो व्यक्तियों को पकड़ा जो कि कांस्टेबल की वर्दी में थे और वाहनों को रोक रहे थे। और जब उनसे पकड़ के पूछताछ के लिए एक आई कार्ड मांगा गया तो उन्होंने अपना आई कार्ड दिया जो कि उप निरीक्षक का आई कार्ड था, और इसी पे शंका करके उनसे लगातार पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो ऐसा करती है। पूर्व में भी उनके द्वारा जल वो नरसिंहपुर सिंगरौली में इस तरह की घटनाक्रम किए गए हैं, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और लगातार पूछताछ जारी है।